गुजरांवाला में 2490 प्लस टैक्स में इंट्रोड्यूस करवाया फिलिस्तीनी बफे, और इस बफे में ऑथेंटिक फिलिस्तीन की जो ट्रेडिशनल डिशेस हैं वो इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। और इन डिशेस में है क्या क्या, आए हम आपको चेक करवाते हैं। सबसे पहले हमें मिलता है मटन जायना। ये मटन में स्पेशल जो उनकी जो सॉस होती है ना, ये उसमें तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है पोटैटो क्यूब्स और शवारमा, और हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं मकलूबा राइस। और ये राइस चेक करें, इसके ऊपर इन्होंने सारे पोटैटो से ब्रोकली से इन्होंने टॉपिंग की हुई है। नेक्स्ट ये जो इनकी है ट्रेडिशनल वहाँ पे जो डिश है मूसा खान, और मूसा खान ये चेक करें, ये स्टीम चिकन है। ना सिर्फ फिलिस्तीनी बल्कि हमारे पास यहाँ पर पाकिस्तानी कुजींस भी बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास यहाँ पे मटन की डिशेज भी काफ़ी पड़ी हुई हैं, जैसे हमारे पास ये मटन लबनीस कबाब हैं। ये कबाब चेक करें, ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये फिलिस्तीनी टिक्का बोटी, और ये भी वहाँ की ट्रेडिशनल ऑथेंटिक जो टिक्का बोटी है वो है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे चाइनीज़ कुजींस भी पड़ी हुई हैं। चाइनीज़ में आपको वेजिटेबल फ्राइड राइस मिल जाएंगे, ये चिकन चिली मिंट है, और साथ में आपको ये मंचूरियन मिल रहे हैं। प्लस इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे फ्राई फिश भी है। नेक्स्ट हमारे पास मटन हरीसा। मटन में मैंने आपको पहले बताया कि गुजरांवाला के जो लोग हैं ना स्पेशली मटन लाइक करते हैं, और मटन के वो कहते हैं कि बफे में आपके पास डिशेज होनी चाहिए। हमारे पास ये मटन हरीसा भी है। स्टोर हमारे पास यहाँ पे आपको मटन कीमा सब्जी मिल जाएगी। यहाँ पे हमारे पास चिकन कौरमा है, गुड़ वाले चावल हैं, और इस साइड पे हमारे पास सैलड्स की काफ़ी वैरायटी है। लामा भी है, रशियन सैलड्स भी है, और साथ साथ डिफरेंट हमारे पास सैलड्स की वैरायटी भी है। इस पोर्शन में हमारे पास सारी डिजर्ट्स हैं, आपको चॉकलेट मूस मिल जाएंगे, पेस्ट्रीज हैं वो मिल जाएंगे। अब हम ट्राई करते हैं, ट्राई करने के बाद आपको बताते हैं कि इनका स्पेशली जो फिलिस्तीनी डिशेज हैं उनका टेस्ट कैसा है। सबसे पहले ये जो मटन जायना है ना, ये मैं ट्राई करता हूँ। जो इसकी स्पेशल बात होती है ना, वो इसकी सॉस होती है, ये चेक करें। शवारमा भी ट्राई करके आपको बताएंगे, थोड़े से राइस भी ट्राई कर लेंगे हम। ये इनकी ट्रेडिशनल डिश है मूसा खान, ये भी हम ट्राई करेंगे। ये फिलिस्तीनी टिक्का बोटी भी तैयार कर लेते हैं हम। चलें जी, अब मैं टेस्ट करता हूँ, टेस्ट करने के बाद आपको बताता हूँ ये कैसा है। ये जो है ना, ये मटन जायना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आ रहा है। जो इसकी सॉस है ना, वो स्पेशली अगर उसके साथ आप लगा के खाते हैं तो सच में आपको थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट मिलेगा और मज़े का टेस्ट मिलेगा। ये भी टेस्ट करते हैं ये शवारमा कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शवारमा भी बड़ा ज़बरदस्त है, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन है मज़े का। अब हम टेस्ट करते हैं वहाँ के मकलूबा राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, राइस बहुत डिफरेंट है लेकिन है मज़े के। यहाँ जो फ्राइड ब्रोकली का टेस्ट आ रहा है ना, वो बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। ये स्टीम चिकन है, साथ इन्होंने सर्व किया हुआ है फ्राइड अनियन डिप्ड इन ऑलिव ऑयल, और ये फिलिस्तीन की लोकल ब्रेड है। चलिए अब मैं अपनी बाइट तैयार करता हूँ, और फिर टेस्ट करने के बाद आपको बताता हूँ ये कैसा है। जबरदस्त। तो ये प्याज का फ्लेवर आ रहा है ना चिकन के साथ, वो बहुत जबरदस्त आ रहा है। और फिलिस्तीनी जो डिजर्ट है वो है ये उमली। ये बकरखानी मिल्क और अंदर इन्होंने कुछ नट्स डाले हुए हैं, जैसे अब मुझे पिस्ता और बादाम वगैरह नजर आ रहे हैं, ये उसमें तैयार किया होता है। बड़ा बैलेंस मीट है और बहुत टेस्टी है। अच्छा, एम्बियंस की बात कीजिए तो एम्बियंस इनकी बड़ी डिफरेंट है। आपको अंदर आते ही मुगल इरा याद आ जाएगा, बड़ा इन्होंने शाही सा माहौल बनाया हुआ है और बड़ा पीसफुल सा इन्वायरमेंट है। ये बफे आपको मिलेगा मुगल महल से, और मुगल महल की लोकेशन है मेन जीटी रोड अटावा पे। और एक इसकी खास बात यह है कि इसका जो 10% ऑफ सेल है ना, सेल प्रॉफिट का नहीं, सेल का 10% ये डोनेट करेंगे फिलिस्तीन को। और इनकी कोलेब्रेशन हुई है अल खिदमत फाउंडेशन वालों के साथ। प्लस आपको ये वीक में 4 डेज मिलेगा, मंडे टू थर्सडे, और इसकी टाइमिंग है 7 to 11 o'clock। और प्लस इसमें कोई स्लॉट नहीं चलती, आप 7 बजे आ जाएं, आपका जितना दिल करता है आप खाएं।